इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। भाजपा ने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। बंडा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी निकले जनसंपर्क पर। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धबोली में जनसंपर्क के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए तरवर सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने भ्रष्टाचार में पूरे देश के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भाजपा विधायक मंत्रियों द्वारा सभी कार्यों में 10 से लेकर 50% तक कमीशन लिया जाता है, इसलिए विकास के नाम पर घटिया निर्माण हो रहे हैं। प्रदेश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, नौकरी के नाम पर शिक्षित बेरोजगारों को लूटा जा रहा है, गुंडे मवालियों के हौसले बुलंद हैं, केवल भाजपा के लोगों और उनके दलालों का ही विकास हुआ है, बाकी किसान मजदूर बेरोजगार महिलाएं सभी परेशान हैं। शिवराज चौहान ने प्रदेश जनता पर करोड़ों रुपए का कर्ज कर दिया है, ये सब देखकर प्रदेश की जनता तड़प रही है और इस बार वो भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। अपने विधानसभा में जनसंपर्क करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे सभी वर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और बंडा विधानसभा से कांग्रेस की जीत तय है, साथ ही मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। और आपकी कछु समस्या है? समस्या का है ना, कछु 600 रुपए दिए थे, कछु नहीं है। सुन रहा है कि जब से लाड़ी बहना चली है तो कई बार जे बढ़ जाए बढ़ जाए, आज बड़ी नहीं है। अब पैसा रुके हैं 3-3 महीना के, 4-4 महीना के रुकी। कितने तो दे रहा है पैसा मम्मा? अरे मम्मा कहा दे, हमारे कचिन 600 दिए थे, 600 दिए थे और कचिन दिए थे। बहन आ रहा हूँ दल लगे पैसा तो आप जे की हुई है, बहन आ रहा है हमारा तो कौन नहीं है। कहाँ गई इस कर गई थी पहले, अब बीजेपी थोड़ी सुन रहा 18 साल कहाँ से उतरा मम्मा, पहले बने रहा मुख्यमंत्री जो कहाँ से उतरा, अब गरीब में जब फांसी लगन लगी भैया सौ जाले ना हम मर रहे हैं। लोग बाबों को कितना समर्थन है? देखिए आज विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर, जैसा कि सबसे पहले तो मैं मेरे विधानसभा क्षेत्रवासियों को और हमारे सभी कांग्रेस के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, आदरणीय कमलनाथ जी को और हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए तो बधाई भी देता हूं और साथ ही साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पुनः मुझे बंडा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ हृदय से। और आज हम हमारे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धबोली में चुनाव प्रचार में आए हैं, लोगों का अच्छा, ग्रामवासियों का अच्छा समर्थन मिल रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 18-19 वर्षों से हमारे मध्य प्रदेश में सरकार बनाए हुए है। जैसे 2018 में पूरे प्रदेश की जनता ने आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस के लिए आशीर्वाद दिया था, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के जो अलोकतांत्रिक रूप से जो मतलब पूरे प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान के द्वारा जो पूरा देश चल रहा है उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, इन लोगों ने 2018 में हमारी सरकार गिरा दी। भाई साहब किस मुद्दा पर लेंगे इस बात को? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि एक तो जो अगर हम पूरे प्रदेश प्रदेश की बात कहें तो सबसे बड़ी तो बात है जो पढ़े लिखे लोग हैं जो उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी, ठीक है, एक तो बेरोजगारी में, दूसरी बात महंगाई। आज अगर हम बात करें महंगाई की तो जो अगर हम किसानों की बात करें, किसान अगर फसल उगाता है, ठीक है, तो अनाज की हम बात करें, चने की बात करें, हम गेहूं की बात करें, चाहे हम सोयाबीन की बात करें, ठीक है, उसके अगर हम रेट की बात करें, जब हमने सोयाबीन की बोनिंग करी थी उस समय सोयाबीन 10,000 रुपए क्विंटल किसान ने खरीदा, लेकिन आज जब फसल सोयाबीन की आई तो वो 3500 पर पहुंच गया। और अगर हम डीजल खाद बीज की बात कहें, डीजल के रेट आज 90 के ऊपर है, ठीक है, आज हम खाद की बात कहें, खाद जो 700-700 की जो बोरी आती थी आज वो 1300-1500 पे पहुंच गई, ठीक है, मतलब जो सरकार द्वारा जो हमें खाद बीज जो उपलब्ध कराया जाता है उसके रेट तो डबल हो गए, लेकिन किसान के अनाज इस बार क्या लग रहा है? वही है, इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए इस बार पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए
एक ऐसा समर्थन मिल रहा। आपने अभी कर्नाटक का चुनाव देखा होगा, वहाँ एक तरफा कांग्रेस की जीत हुई है और वही लहर हमारे मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश भी अब की बार अच्छे बहुमत से प्रदेश में सरकार कांग्रेस प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी कहे जाते हैं बहनों के लिए लाडली बहना योजना चलाई, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला? देखिए 18 साल में प्रदेश के जो आप मामा की बात कर रहे हैं उन्हें खबर आई हमारी माता बहनों की, 18 साल क्या करते रहे, ठीक है। और ये जो उन्होंने कैबिनेट में विधेयक पास किया था ये मात्र एक साल के लिए है, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी ने जो घोषणा करी है कि नारी सम्मान योजना के माध्यम से हम प्रदेश की सभी माता बहनों के लिए 1500 रुपए देंगे। और सबसे बड़ी बात जो अभी कुछ दिन पहले हमारी नेत्री कांग्रेस की जो नेत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो घोषणा करी है कि हम पहली से आठवीं तक के बच्चे और बच्चियों को हम 500 रुपए प्रति माह देने का काम करेंगे, हमारी मध्य प्रदेश सरकार आई। और नौवीं दसवीं के लिए हम प्रति माह 1000 रुपए देने का काम करेंगे, साल के होंगे 12000, ठीक है। उसके बाद 11वीं 12वीं के बच्चे बच्चियों को हम 1500 रुपए प्रति माह देंगे, साल के होंगे 18000। तो ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि शिक्षा ही सबसे एक अच्छा मार्ग है जिससे हमारे प्रदेश और देश के सभी परिवारों के बच्चों का भविष्य जो शिक्षा सुधारती है, तो इससे एक नई जागृति हमारे जो स्कूली बच्चे हैं उनको उनमें आएगी, और स्कूल भी जो बच्चे कम जाते हैं वो स्कूल बच्चे जाएंगे और अच्छी पढ़ाई भी करेंगे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।